और अनंत रहेंगे। अनंत सिंह के अंत करने के लिए उसका अंत हो जाएगा, अनंत बाबू का नहीं होगा। भाजपा का सरकार था, घर में 47 रख के पकड़वा दिया लोग, तो अनंत सिंह थोड़ी सजाए हो जाएंगे। जमानत जब्त नहीं हुआ है ललन बाबू का, अब की बार जमानत जब्त होगा। आप देखिएगा कि उनको जितना लोग गलत चीज में फंसा उसका जवाब जनता अपने वोटों से, नोटों से नहीं। भाजपा नोट बांटती है और महागठबंधन वोट लेती है, ये आप देख के महसूस कर लीजिए। इतना दावा से कैसे कर रहे हैं कि भाजपा नोट बांटती है? एकदम हम देखे हुए हैं, हम देखे हुए हैं। और नीतीश बाबू भाजपा में इसलिए थे कि वो देखे कि हम कुछ काम कर देंगे तो भाई हमारे लोग नाम लेंगे। अभी आप, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि 50 मर्डर वाले लोग भाजपा में हैं तो वो गंगा में धुल गए हैं, और जो एक मर्डर वाला वाला है उसका सजा हो गया हुआ? आप जवाब दीजिए हमको। सोनम देवी जो भाजपा की उम्मीदवार है, ये लवरइयों का पार्टी है, लवरई बोलता रहता है लोग। और अनंत बाबू हैं, उनको हराना बहुत मुश्किल बात है। 1,00,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। हाँ, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे मोतिहारी नगर निगम में राधा मोहन बाबू हैं, खाली लबरई बोलते हैं, इनको कोई काम नहीं है। प्रमोद बाबू है, खाली लबरई बोलते हैं, कोई काम नहीं है। नगर परिषद का चुनाव होने वाला है, जो अच्छा कैंडिडेट हो, मेरे वार्ड से हो, मेरे मेयर से हो, उसका सपोर्ट आप कीजिए। अभी चुनाव तो फिलहाल कैंसिल कर दिया, कैंसिल नहीं हुआ है। आज आप पता कीजिएगा, आज कुछ फैसला आया हुआ है, हमको अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। मैं इस पे विशेष बात आपसे करूंगा 2 दिन बाद। अच्छे लोगों का चुनाव कीजिए, अच्छा होगा। तो भाजपा लबरइयों का पार्टी है, लबरई बोलते रहता है, उससे कोई फर्क पड़े। जब आपके पार्टी के नीतीश कुमार भाजपा में मिले थे तब तक भाजपा ठीक पार्टी थी, भाजपा ने उनको ठीक किया था। आज अलग हो गए हैं तो भाजपा खराब हो गया। वही लोग बोलते हैं कि नीतीश बाबू खराब है, और आप लिस्ट उठा के देख लीजिए तो उनसे पुरुष बिहार में कोई नहीं है। आप अपने मतलब आप अपने दिमाग से देखिए, सोचिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो बोलिए। पहले लाइट कटती थी, 24 घंटे के लिए कटी रहती थी। पहले मैं का रहने वाला हूँ, मोतिहारी से 3 घंटा समय लगता था, अभी कितने घंटे समय लगते हैं आप बताइए। अब मतलब समय का तो थोड़ा अधिक कम हो गया है। कैसे हो गया? रोड बना तब ना हुआ। किसके दिन में हुआ? तो नीतीश बाबू के दिन में हुआ। जायज बात हो रही, रही बात मोकामा की, तो मोकामा में मैं 100% करके आपसे बोल रहा हूँ। फिर आपसे चुनाव के बाद मैं बात करूंगा।